सब, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक होम रेमेडी जो कि झाइयों के लिए है। क्या आप भी सालों से झाइयों से परेशान हैं? काफ़ी सारी लेडीज़ के चीक्स एरिया में, इस वाले एरिया में ब्लैक ब्लैक धब्बे हो जाते हैं, ब्लैक चकत्ते हो जाते हैं, जिस नाम से भी आप जानते हो, जिन्हें हम झाइयाँ बोलते हैं। काफ़ी लोगों के रेड भी होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं, और मोस्टली झाइयाँ जो है प्रेगनेंसी में हो जाती हैं या फिर हार्मोन्स चेंजेस की वजह से हो जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडी के ही होती हैं, कभी कभी ऐसे नॉर्मली किसी के भी हो जाती हैं, तो वो हार्मोन्स चेंजेस की वजह से होती हैं। और ये वाला कंप्लीट हमारा चीक्स वाला ये वाला एरिया होता है ब्लैक हो जाता है, जो कि बहुत गंदा लगता है। और इन्हें ठीक करने के लिए हम पता नहीं क्या क्या ट्राई करते हैं, और कॉस्मेटिक ट्राई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको झाइयों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो आज का ये मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ एक 100% नेचुरल होम रेमेडी जो कि काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो। देखिए फ्रेंड्स, नेचुरल जो तरीका होता है थोड़ा सा धीरे धीरे इफेक्ट करता है, लेकिन हाँ, आपकी जो ये प्रॉब्लम है झाइयों की, इससे आपको 100% छुटकारा मिलेगा। जो आप सालों से परेशान हैं, तो कुछ टाइम तो आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा, एक बार में सॉल्यूशन नहीं मिलता है। जैसे कि मैं लास्ट वीडियोस में भी बताती आ रही हूँ, तो मतलब लास्ट वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि एक बार में हो जाएगा, दो चार दिन में हो जाएगा, कि एक हफ्ते में हो जाएगा, कितने दिन लगाना है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, नेचुरल तरीका ऐसा होता है कि अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को कि झाइयों से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक होम रेमेडी बनाकर तैयार करनी है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेनी है ये मसूर की दाल। तो ये रेड वाली मसूर की दाल है, तो मैं यहाँ पर कैमरे को थोड़ा सा पास कर लेती हूँ, जिससे कि आपको क्लियर दिखे कि इस रेमेडी को हमें कैसे बनाना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए मसूर की दाल। तो मैंने ये यहाँ पर आधा कटोरी मसूर की दाल ली है, और हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, इसे पीसते टाइम आपको इसे कम्प्लीटली पाउडर फॉर्म में चेंज नहीं करना है, इसको हल्का सा दरदरा रहने दीजिए। तो यहाँ पर ये पाउडर बनकर तैयार है, तो अब हम यहाँ पर आज की रेमेडी बनाकर तैयार करेंगे। और इसके साथ ही हमें चाहिए कच्चा दूध, तो मैंने यहाँ पर एक ही क्लीन बाउल ले लिया है, और हम इसमें डालेंगे एक चम्मच दाल का पाउडर। एक बार के लिए एक चम्मच काफी है, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कच्चा दूध, और हम इसे चलाकर मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पर दाल का एक ये पेस्ट बनाकर तैयार करना है, और हम इस दाल को लगभग 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि दाल अच्छे से फूल जाए। तो दाल को थोड़ा सा पतला रखिए, जिससे कि फूलेगी तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। और जो बचा हुआ दाल का पाउडर है, इसे हम किसी भी जार में भर कर रख लेंगे, जिससे कि जब भी हमें ये रेमेडी ट्राई करनी हो, हम फटाफट से एक चम्मच पाउडर निकाल कर इस तरीके से दाल का पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने कि हमें ये रेमेडी कैसे बनाकर तैयार करनी है। तो ये जो रेमेडी मैं आपके साथ यहाँ पर जो घरेलू नुस्खा शेयर कर रही हूँ, इसको मैंने रेडी करके रखा था 2 घंटे पहले, क्योंकि मुझे आपके साथ ये वीडियो शेयर करना था। तो अगर मैं अभी आपको मिक्स करके ये सारा सब कुछ दिखाती, तो फिर ये दाल फूलती नहीं। तो 2 घंटे पहले जब मैंने इसे रेडी किया था, तो ये देखिए 2 घंटे में ये काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है, और अच्छे से मतलब रेडी है। अब हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे बनाने में मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए थे आपने देख लिए हैं, बट फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ये मसूर की दाल है रेड वाली, जो एक साबुत मसूर आती है वो ब्लैक होती है, उसी का ये छिलका उतरी हुई मसूर की दाल है। इसे मिक्सर ग्राइंडर में आपको पीस लेना है। पीसते टाइम आपको बस ध्यान रखना है कि इस दाल को कम्प्लीटली आपको पाउडर फॉर्म में चेंज नहीं करना है, इसको हल्का सा दरदरा रहने देना है। ये भी मैंने आपको क्लियर वीडियो में दिखाया था। और इसके बाद बस एक चम्मच दाल लेनी है, जितना एक चम्मच काफ़ी है हमारे फेस के लिए। और इसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, जितना कि थोड़ी सी पतली हो जाए। तो 2 चम्मच लगभग इसमें दूध यूज़ हुआ होगा,
तो 2 घंटे जब आप इसको ढककर रख देंगे तो ये इस तरीके का एक पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। है क्या कि जब ये पेस्ट दाल फूली भी ज़रूरी है हमें इसे अप्लाई करना है, तो आप जैसे इसे मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं, नाइट में यूज़ कर सकते हैं, जब आपके पास टाइम हो। तो काम करते करते आप इस पाउडर को बनाकर रख लीजिए, मसूर के दाल के जो पाउडर है उसे किसी भी आप जार में करके रख लीजिए, और जब आपको यूज़ करना हो बस आप 1 चम्मच लीजिए, इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कीजिए और इसे घोल कर रख दीजिए। उसके बाद आप 2 घंटे के बाद, 2-2.5 घंटे के बाद ये दाल अच्छे से फूल जाएगी। तो ये पेस्ट हमारा रेडी है, तो अब हम इसे फेस पर अप्लाई करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा एलोवेरा जेल, जिससे कि थोड़ा सा फास्ट वर्क करे, और इसमें हम थोड़ा सा 1/2 चम्मच, ये मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है, हम इसे इसमें मिक्स कर देंगे। तो देखिए ये हमारा पेस्ट रेडी है, तो अब हम इसे फेस पर अप्लाई करेंगे। तो इसे अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है कि आपके फेस पर कोई भी क्रीम, मॉइस्चराइजर और मेकअप वगैरह नहीं होना चाहिए, तो आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर रोज़ वाटर मेरे फेस पर अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैंने मेरे फेस पर जैसे क्रीम वगैरह अप्लाई नहीं की है, बट ये है आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो हल्का सा लिपस्टिक और काजल मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, तो मैं इसे कॉटन की हेल्प से यहाँ पर इसको हटा दूँगी, एक बार क्लीन कर लूँगी मेरे फेस को। तो ये देखिए मेरा मेकअप कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है, और जब आप इसे अप्लाई करें तो अपने फेस को आप चाहें तो फेस वॉश भी कर सकते हैं फेस वॉश के साथ, और फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। और उसके बाद अब हमने ये जो पेस्ट बनाकर रेडी किया है इसे हम अपने फेस पर अप्लाई कर लेंगे। तो आप इसे फेस पर अच्छे से लगा लीजिए, जहाँ पर झाइयाँ हैं वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लगाइए, और इसे हल्का हल्का इस तरीके से फेस पर मसाज भी कीजिएगा, इससे आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, और जो भी स्किन पर डेड सेल्स वगैरह है, झाइयाँ तो रिमूव होंगी, साथ में जो डेड सेल्स वगैरह है वो भी हट जाएंगे, और आपके फेस पर एक बहुत ही अच्छा ग्लो भी आएगा। तो हम इसे पहले पूरे फेस पर अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। झाइयाँ ज़्यादा हैं तो आप उस एरिया में इसे थोड़ा सा ज़्यादा लगाइए, आप इसे कंप्लीट फेस पर लगाइए, जिससे कि इसका रिजल्ट आपके पूरे फेस पर बहुत ही अच्छा मिलेगा। और हम इसे फेस पर इसी तरीके से रहने देंगे जब तक कि ये हल्का सा ड्राई ना हो जाए, इसे कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना है, बस ये हल्का सा ड्राई हो जाए। जब ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा फिर हम अपने फिंगर की हेल्प से इसको हल्का हल्का रब करना स्टार्ट करेंगे, और नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लेना है। आप चाहें तो हल्के गुनगुने पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमने पेस्ट बनाया था 1 चम्मच दाल का, तो अभी ये एक बार और अप्लाई हो जाएगा मेरे फेस पर, तो आप इसे उठाकर रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। आप इस मास्क को मॉर्निंग टू नाइट दोनों टाइम यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बचे हुए पेस्ट को नेक्स्ट मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं। 2 दिन से ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, जैसे आज बनाया है तो नेक्स्ट मॉर्निंग यूज़ कर लीजिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ इसे क्लीन करने के बाद। हे गाइस, तो मैंने यहाँ पर फेस मास्क को निकाल दिया है, जो मैंने होम रेमेडी लगाई थी उसको निकाल दिया है, और जब ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा तो आपकी स्किन भी साथ में ड्राई होगी। अगर आपका जो मास्क है ज़्यादा ड्राई हो जाए तो आप इसे डायरेक्टली इस तरीके से रब मत कीजिए, अपने हैंड्स में हल्का सा पानी ले लीजिए या फिर हल्का सा पानी अपने फेस पर लगा लीजिए, उसके बाद अपने फिंगर्स की हेल्प से इसको इस तरीके से सर्कुलर मोशन में इस तरीके से रब करना स्टार्ट कीजिए, और हल्का सा जब गीला रहे आप इसको तभी रब करना स्टार्ट कर दीजिए, और बस नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। ज़्यादा तेज़ गर्म पानी आपको यूज़ नहीं करना है, और इस रेमेडी को आप कभी भी लगा सकते हैं, जैसे मॉर्निंग में लगा लीजिए काम करते टाइम, या फिर आप इसे नाइट में लगाइए, और इसे जब आप फेस वॉश कर लेंगे
तो आपको अपने फेस पर कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं बोलूँगी कि आप कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए अपने फेस को ऐसे ही छोड़ दीजिए, कुछ भी मेकअप वगैरह अप्लाई नहीं कीजिए। और अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको 15 डेज में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट नज़र आएगा। जो सालों की आपकी झाइयाँ हैं, बस आपको रेगुलर यूज़ करना है सेम प्रोसेस से जैसे मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर किया है। आई रियली होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। बस एक बात ये ध्यान रखिए कि जो नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स होते हैं धीरे धीरे इफेक्ट करते हैं, बट इनका जो रिजल्ट होता है अमेजिंग होता है और हमेशा के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार झाइयाँ चली गई फिर से आ जाएंगी, जो जाएंगी तो वो हमेशा के लिए जाएंगी। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगी। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आगे मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।